आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति में हलचलें चलती रहती हैं। हलचलों के बीच में बातें जरूर होती हैं, पर बातों के बीच बयानबाजी होती है, और बयानबाजी के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। यहाँ जनता के मुद्दों की बात भले ही कोई ना करे, पर यहाँ आरोप प्रत्यारोप के दौर जरूर जारी रहते हैं, और ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जिनका फिलहाल भारतीय राजनीति से कोई सरोकार ही नहीं है। पर क्या करें, भारतीय राजनीति में इस समय व्यवस्थाएं ही चल रही है कि जनता के मुद्दों की बात ना करके ऐसी बात करिए जिसका लेना देना भले ही जनता से ना हो, पर चर्चा में बने रहिए। कारण क्या है, क्योंकि चुनाव है, राजनीति है, और अपने आप को चर्चा बनाकर अपने आप को ऊपर उठाना फिलहाल भारतीय राजनीति, खासतौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक व्यवस्था बन चुकी है। यहाँ बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की, रामचरण मानस पर बयान दिए, उसके बाद लगातार चर्चा बने रहे, और यहाँ तक कि उनके ऊपर तमाम तरह के आक्षेप लगाए गए। हिंदूवादी संगठनों ने, हिंदू धर्मगुरुओं ने तमाम बातें कहीं उनको लेकर, और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य भी यहाँ पर मुखर रूप से उनका जवाब देते नजर आए। स्वामी प्रसाद मौर्य फिर चर्चा में है क्योंकि उन्होंने बयान दिया है कि रामराज हटना चाहिए, रामराज की बातें नहीं होनी चाहिए, हिंदू राष्ट्र की बातें नहीं होनी चाहिए, और हमको आतंकी कहने वाले गेहुआ वस्त्रधारी लोग आतंकी हैं, आतंकवादी हैं। जब वो किसी के गर्दन काटने की बात करते हैं तो ये आतंकवादी नहीं कहता है, तो और कौन कहता है। खैर, पर इन चर्चाओं के बीच में ज़रूरत क्या है इस तरह के बयानों की, जब एक बयान अगर सांड पड़ गया है उस पर चर्चाएँ खत्म हो चुकी हैं, कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ बात निकाय चुनाव की, कर्नाटक चुनाव के परिणामों की हो रही है, तो फिर इसके बीच में इस तरह की बातों का मतलब क्या है। हिंदू धर्म को लेकर आक्षेप, रामराज हटाने को लेकर बात, हिंदू राष्ट्र ना बनाने की बात, हिंदू राष्ट्र विरोधी बात, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गेहुआ वस्त्र में पहने हुए लोगों को आतंकवादी बनाना। उनका कहना है जो मेरे गर्दन काटने की बात कर रहे हैं वो इसी शब्द के योग्य हैं। खैर, हिंदूवादी संगठनों ने जवाब दिया और राजीव दास ने जवाब दिया कि वो जिस योग्य है वैसी बातें उनके लिए कही जा रही है। यहाँ तक कि अयोध्या के धर्मगुरु सत्येंद्र दास ने ये तक कह दिया कि वो पागल और मूर्ख है, उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल भारतीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में यही चर्चाएं आम हैं, क्योंकि यहाँ पर जनता के मुद्दों की बात कोई नहीं कहेगा, विकास की बात कोई नहीं कहेगा, यहाँ गरीबी बेरोजगारी की बात कोई नहीं कहेगा, यहाँ नौकरी की बात कोई नहीं कहेगा, यहाँ सड़कों की बात कोई नहीं कहेगा, यहाँ स्वच्छ जल पेयजल की बात कोई नहीं करेगा, यहाँ प्रदूषण मुक्ति की बात कोई नहीं कहेगा, पर यहाँ बात धार्मिक मुद्दे को जरूर होगी, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि धर्म और श्रद्धा भक्ति के लिए बना है, धर्म राजनीति के लिए बना है, और जहाँ जहाँ धर्म को राजनीति में लाया जाता है वहाँ नुपुर शर्मा जैसे विवाद सामने आते हैं, वहाँ कन्हैया लाल जैसे हत्याकांड सामने आते हैं, वहाँ पर जुलूस पर पथराव सामने आते हैं, क्योंकि आपने धर्म को ना भक्ति में जोड़ा ना श्रद्धा में जोड़ा, बल्कि जोड़ लिया राजनीति में, और ऐसी राजनीति जिसमें अपने आप को महान बताकर सामने वाले को नीचा दिखाया जाता है। और चूंकि अब ये राजनीति जो लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो राजनीति जिसकी शुचिता संस्कृति की यहाँ पर देश दुनिया में तवज्जो मिलती थी, अनुसरण होता था, अब फिलहाल वही राजनीति यहाँ पर लोगों के बीच उपहास का केंद्र बनी हुई है। कारण, समय समय पर उठपटांग बयान, कहीं रावण तो कहीं चौकीदार, कहीं पप्पू तो कहीं सूपनखा, कहीं राम तो कहीं दूसरे तरह के राम। बात यहाँ पर केवल बयानों की नहीं है, बात यहाँ पर इस व्यवस्था की है कि भारत जैसे देश में जहाँ पर हम अभी भी विकासशील हैं, हम अभी भी विकसित देश होने की व्यवस्था में आगे बढ़ रहे हैं, पर यहाँ पर विकसित होंगे कैसे जब देश के सबसे बड़े सूबों में केवल राजनीति धर्म के आधार पर होगी, तो विकसित होने की कल्पना फिलहाल एक कल्पना ही मानेंगे। फिलहाल महत्वपूर्ण चर्चा विषय है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर इस बयान के कई तरह के मायने भी हैं कि अगर उन्होंने बयान दिया तो उन पर आरोप लगाने वाले, उनको पागल कहने वाले या उनके गर्दन काटने का इनाम रखने वाले लोग भी उसी तरह जिम्मेदार हैं जितने स्वामी प्रसाद मौर्य। फिर आप कुछ बयान से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये साधु है, ये संत है, गेहुआ वस्त्र पहनने वाले, ये सारे के सारे जो आतंकवादी चेहरे थे, एक एक करके उनकी जुबान खुलने लगी, हमारा क्या बिगड़ा, लेकिन तुम्हारी असलियत आ गया, तुम साधु वेश में आतंकवादी
इसी प्रकार से इन्होंने यहाँ तक तुमने किया। जमायत उलेमाए हिंद के मुंबई अधिवेशन में हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को जिस प्रकार देशद्रोह करार दिया गया, मैं मौलाना साहब से कहूंगा कि इतिहास और अपनी तहजीब दोनों दुरुस्त रखें। मौलाना साहब, इस देश के विभाजन का आधार ही धर्म था। इस्लाम को मानने वालों के लिए पाकिस्तान बना, शेष बचे हुए हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बना। भारतीय संविधान में हिंदू शब्द की परिभाषा में सिख, बौद्ध, जैन, ये तीनों आते हैं। अतः खालिस्तान की मांग का अपरोक्ष समर्थन करना ये तुम्हारे देशद्रोही मंशा को दर्शाता है। मुल्क बर्बाद न होता, तबाही न आती, फकर तंगदस्ती का बोलबाला न होता, मुल्क के अंदर इख्तदार उनका होता जो मुल्क में हर तबके को चैन और सुकून के साथ जिंदा रहने का मौका देते हैं। फिर ऐसा नहीं हुआ। आज आकर के उन्होंने ये कहा कि हम फिरकापरस्त पार्टियों के ऊपर कदगल लगाएंगे, बंद करेंगे और मुल्क के अंदर भाईचारगी को लेकर बढ़ेंगे। एक शोर मच रहा था कि कांग्रेस ने इलेक्शन के अंदर अपने मैनिफेस्टो को अंदर इसको दाखिल किया कि हम बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे। गलती की, मैं समझता था कि गलती नहीं है, बल्कि अपनी गलती का तदारुक है। जो 70 साल पहले से गलती थी, आज उस गलती का तदारुक किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि वो मौकिफ ठीक था, और मैं समझता नहीं हूं बल्कि हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर उस मौकिफ की तायीद की है। उन लोगों को गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता जो आज इस मुल्क के अंदर ये आवाज लगा रहे हैं कि इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनना चाहिए। इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, असल गद्दार वो है इस देश के जो देश के अंदर रहकर इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं। अगर वो हिंदू स्टेट की बात कर रहे हैं और वो गद्दार नहीं है, मुसलमान अगर इस्लामी देश की बात करेगा वो गद्दार कैसे हो जाएगा? सिख खालिस्तानी की बात करेगा वो गद्दार कैसे हो जाएगा? रास्ते तुम खोल रहे हो। इस मुल्क को सेकुलर मुल्क है, इसका दस्तूर सेकुलर है। चर्चा वैसे बड़ा महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि यहां पर अगर हम जनता के मुद्दों की बात करेंगे तो शायद बेहतर परिणाम आएंगे, शायद उस पर सत्ता पक्ष को घेरा भी जा सकता है। पर इन मुद्दों का कोई अस्तित्व नहीं है, और जब भी ये मुद्दे उठाए गए हैं केवल कलह को यहाँ पर कारण बने हैं, केवल सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले मुद्दे हैं। और मेरे ख्याल से किसी भी राजनेता को इन बयानों से बचना चाहिए, पर क्या करें, भारतीय राजनीति में व्यवस्था ही इस तरह की हो चुकी है और इसके चलते लगातार केवल चर्चाओं का बाजार गर्म है, और चर्चा है धार्मिक मुद्दों की चर्चा। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाले या हिंदू राष्ट्र ना बनाने की बात करने वाले लोग यहाँ स्पष्ट हो जाएं कि जब जब हमने सामाजिक सौहार्द को चुनौती दी है उसका परिणाम हम सब ने भोगा है, और इतिहास गवाह है कि भारत में अगर सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंची है तो उसका नुकसान दोनों कौमों ने भुगता है। महत्वपूर्ण चर्चा वैसा है, हमारे साथ मेहमान जो रूबरू करा दूं, देश सियासत प्रवक्ता भाजपा से अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से नितिन भाई जी अपनी बात रखेंगे, विकास मिश्रा सनातन महासभा से अपनी बात रखेंगे, सही मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी से अपनी बात रखेंगे, और प्रवक्ता कांग्रेस से मलिक जावेद अंसारी जी अपनी बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा नितिन भाई से। नितिन भाई, चर्चाएं ठीक है, जनता के मुद्दे ठीक है, निकाय चुनाव का परिणाम ठीक है, पर इन बयानों की जरूरत क्या है? जब अगर कोई मामला शांत पड़ा हुआ है, जो और बयान दे रहे हैं उन्हीं बयान की पुनरावृत्ति फिर दोबारा हो रही है, जरूरत क्या है? चुनाव महत्वपूर्ण है, शायद जनता के मुद्दों पर अगर राजनीति करेंगे, जनता के मुद्दों पर अगर संघर्ष करेंगे, जनता के मुद्दों के लिए अगर रोड पर उतरेंगे तो उसका परिणाम आपके लिए जनाधार के रूप में आएगा, पर ऐसे मुद्दों से क्या मिलने वाला है? धन्यवाद गौरव जी आज की महत्वपूर्ण चर्चा पर शामिल करने के लिए। देखिए, चर्चा हमेशा मुद्दों की ही होती है जी। समाजवादी पार्टी और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा सदन हो या सड़क हो,
उनका बयान कभी भी किसी भी मजहबी बयान नहीं होता, कोई सांप्रदायिक बयान नहीं होता जी। आपने निश्चित रूप से अभी तक जो देखा और अभी अपनी रिपोर्ट में जिस तरीके से दिखाया वो मजहबी लोग हैं जी। और जिस तरीके से आज ये कोर्ट किया जा रहा है इस मुद्दे को, फिर इस तरीके के लोगों ने उठाया जी, वहां पर एक लंबी भाषण का एक बहुत छोटा सा पार्ट है जी, जिस पर उन्होंने कुछ पर्टिकुलर दो व्यक्तियों की बात की गई है। अच्छा। जो व्यक्ति इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी भाषा में ना तो संयम है न सद्भाव है, जो किसी की गर्दन काट लेने की बात करे, जो किसी का जीभ काटने की बात करे, उसके मृत्यु उसको मार देने के लिए उस पर इनाम घोषित करने की बात करें, ये ऐसे लोग निश्चित रूप से संत तो हो ही नहीं सकते। अच्छा। और बात संतों की हो रही, देखिए हम सनातन परंपरा के वाहक जी, पहली चीज जो बार बार हिंदू शब्द आता है जी, हम इससे सहमत नहीं है। बिल्कुल। इस देश ने कभी हिंदू को मान्यता नहीं दी, ना हिंदू कोई हमारी भारतीय परंपरा का शब्द है ना सनातन परंपरा जी। ये देश भारत है, हम लोग भारतीय हैं, हमारा जो धर्म है वो सनातन है, और सनातन धर्म का जो सिद्धांत है वो सर्व भयंतु सुखिना का सिद्धांत है। क्या बात है। अयम नजा वेद गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो बस देव कुटुंबकम, इस विचारधारा का सिद्धांत है, जहां पर सबको मानवतावादी दृष्टिकोण से देखा जाता है जी। इस दौर में अगर कोई व्यक्ति रंग विशेष की बात कभी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि सनातन संस्कृति में अगर कोई व्यक्ति वेश, और इसका कई प्रमाण रामचरितमानस जो हमारी धार्मिक पुस्तक आज बहुत चर्चा में है, इस पुस्तक में भी कलयुग में संतों के लक्षण लिख दिए गए हैं कि कैसे कैसे लोग होंगे, कैसे उनके बड़े बड़े बाल होंगे, लंबे लंबे नाखून होंगे, भच्च और अभच्च भोजन करेंगे, और वो संत नहीं हो सकते। और संत परंपरा में देखिए एक डिग्री होती है जी, जो अध्यात्म शास्त्र, अभी विकास जी हो सकता है इस पर चर्चा करें क्योंकि सनातन सभा से आ रहे हैं, अध्यात्म शास्त्र में धर्म जिसको हम कहते हैं, धर्म में संत बहुत बड़ी सर्वोत्तम डिग्री है, जिसको कहेंगे पहली डिग्री होती है ऋषि मुनि देवर्षि फिर ब्रह्म ऋषि फिर महर्षि फिर विभूति फिर संत। जैसे आज मैकाले की शिक्षा पद्धति में प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्नातक परास्नातक डॉक्टरेट, जो डॉक्टरेट होता है वही डॉक्टर फला लिख सकता है, जैसे मैं पीएचडी हूं तो मैं डॉक्टर नितिन भाई जी लिखता हूं, इसी तरीके से बिना ट्रेड किए हमको आप डॉक्टर की उपाधि नहीं दे सकते। इसी तरीके से अध्यात्म परंपरा में जो व्यक्ति इस अध्यात्म शास्त्र की सर्वोत्तम डिग्री हासिल कर ले वही संत होता है। कोई भी सड़क चलता व्यक्ति भगवा रंग का कपड़ा पहन ले, दो ठो रुद्राज की मालाएं धारण कर ले, वो संत नहीं हो सकता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को MBBS डॉक्टर बनना है तो पहले 5 वर्ष तक वो डिग्री करेगा स्नातक करने के बाद, इसके बाद ही वो डॉक्टर लिख पाएगा। अच्छा। कोई इंजीनियर होगा वो इंटरमीडिएट करने के बाद 5 वर्ष की जब डिग्री करता है, वो डिग्री के बाद वो इंजीनियर लिख पाता है। जो वकील होता है वो इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन करने के बाद 5 साल या 3 वर्ष का जो डिप्लोमा लेता है एडवोकेसी का, इसके बाद वो रजिस्ट्रेशन कराता तब एडवोकेट होता है। इसके अलावा कोई अंगूठा टेक व्यक्ति जो कक्षा 8 का पढ़ा हो वो डॉक्टर इंजीनियर एडवोकेट लिख करके घूमेगा तो उसके ऊपर 420 का मुकदमा IPC के तहत लिखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उस डिग्री का अधिकारी नहीं है। जैसे मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन अगर कल से मैं एक IPS का बिल्ला अपने कंधे पे लगा लूं और वर्दी पहनकर टोपी लगाकर नीली बत्ती की गाड़ी लेकर निकल जाऊं तो निश्चित रूप से मैं क्या कहलाऊंगा? एक धोखेबाज चीटर कहलाऊंगा। अच्छा। और मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ठीक उसी तरीके से जो व्यक्ति सनातन परंपरा में अध्यात्म शास्त्र की सर्वोत्तम डिग्री नहीं रखता है वो संत कहलाने का अधिकारी नहीं है। और अगर वो संत नहीं है और फिर उस तरीके संत का भेष बनाकर तो निश्चित रूप से वो पाखंडी ही होगा। अब मैं बात करता हूँ स्वामी प्रसाद, आपने कहा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ नहीं कहते हैं, सांप्रदायिक कोई इस तरह का बयान नहीं देते हैं। मैं एक लाइन में उसको खत्म कर देना चाहता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की जिस तरीके से बात आई, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पूरे भाषण में एक घटना का जिक्र किया कि कुछ लोग जो उनकी गर्दन काटने की उनकी जीभ काटने की बात करते थे और वो भगवा कपड़े पहन करके घूमते हैं तो वो भगवा भेष में आतंकवादियों जैसी हरकत ही करते हैं, इसलिए उस शब्द को
बार बार उन्होंने जोर देकर के कहा कि भगवा कपड़ा पहन लेने मात्र से कोई संत नहीं हो सकता है, भगवा कपड़ा पहन करके लोग आतंकवादी घटना भी कर सकते हैं। अच्छा। इससे ये बात कहीं नहीं जोड़ लेनी चाहिए कि किसी ने संत का अपमान किया, क्योंकि हम खुद मानते हैं कि सनातन परंपरा में संत वही होता अच्छा। है जो अध्यात्म। उन्होंने ये भी कहा है कि राम राज को हटाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग गलत है, हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, देखिए राम राज को हटाना चाहिए। राम राज और हिंदू राष्ट्र अच्छा। दोनों से बहुत अलग अंतर है। अच्छा। मैंने पहले कहा हिंदू शब्द की मान्यता को ही अच्छा। मैं खारिज करता हूँ। हाँ। क्योंकि क्या इस देश में जब इस देश के बंटवारे हुए राम राज की कल्पना को भी खारिज करेंगे नितिन भाई। मैं पूरी पहले हिंदू राष्ट्र की बात कर लीजिए। हाँ। हिंदू राष्ट्र क्या, मैं आज पूछना चाहता हूँ, क्या संविधान गलत है? इस देश का नाम भारत है क्या गलत है? और जो संविधान पे आस्था नहीं रखता, जो इस देश को भारत नहीं मानता है, तो पहली चीज वो राष्ट्रद्रोही और संविधान द्रोही हो गया। अच्छा। इसलिए मैं संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उसने भी इस शब्द को खारिज किया है। ना तो हिंदू कोई धर्म है, ना हिंदू कोई परंपरा है, ये तो पारसियों का दिया हुआ शब्द है। क्या भारतीय शब्द में क्या दिक्कत है और सनातन धर्म में क्या आपत्ति है? मैं तो यह कहूंगा कि जो बार बार हिंदू कहता है वो सनातन धर्म का हंता है। बार बार मैं इस बात को जोड़ देता हूं। तो यहां पर स्वयं मौर्य बोल रहे हैं, जो हिंदू को यहां पर स्वयं प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, भाई हंता है क्या? बिल्कुल, अगर कोई भी व्यक्ति जो बार बार हिंदू शब्द पर चोट करता को प्रोत्साहित करता है, वो सनातन धर्म का तो फिर आप मौर्य गाइडलाइन बता दीजिए कि सनातन राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करते हैं? समाजवादी पार्टी और नितिन सिंह यादव जहां भी बैठते हैं वो कभी इस बात को चर्चा नहीं करते। वो थोड़ा सनातन धर्म, थोड़ा अपनी बात, राष्ट्र की थोड़ी अपनी बात अपने राष्ट्रीय महासचिव एमएलसी को भी समझाई। ठीक है नेता भाजपा विवेक श्रीवास्तव जी, सब सारा मामला आपके सामने है। दोबारा स्वयं प्रसाद मौर्य के बयान आ गए हैं और चर्चाएं फिर यहाँ शुरू हो गई। निकाय चुनाव, कर्नाटक चुनाव के बाद अब नई चर्चा का आरंभ हो चुका है। जरूरत क्या है और इन चर्चाओं का क्या लाभ होने वाला है, और इन चर्चाओं से समाजवादी पार्टी, जहाँ पर जहाँ नितिन भाई ने कहा है कि उन चर्चाओं से अलग अपनी बात रखते हैं, क्योंकि वो सनातन की बात करते हैं, वो सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं। जी देखिए गौरव जी, जी स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत किनारे से उनसे पल्ला झाड़ा है। अच्छा। ना उनसे अपने आप को जोड़ पा रहे, ना एकदम से अलग कर पा रहे जी। अखिलेश जी नहीं कुछ कहते जी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद उनकी तरक्की हो जाती है। अच्छा। राष्ट्रीय महासचिव बना दी जाती जी, और उसके बावजूद इस तरह की बातें वो बोल रहे हैं जी। कभी राम नाम पे हमला करते हैं, कभी रामायण पे हमला करते हैं जी, कभी हिंदू शब्द पे हमला करते हैं। अब उन्होंने एक टारगेटली एक महंत को टारगेट किया है, जिनके बारे में इस तरह के बयानबाजी उन्होंने की है। संत, सन्यासी, महर्षि, ऋषि, ये बहुत अध्यात्म का विषय है जी। इसके लिए अन्य जगह चर्चा हो जाएगी जी। विषय तो इस बात का है कि जिस तरह के बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं वो उचित है या नहीं है। अच्छा। कौन संत है, कौन ऋषि है, कौन महर्षि है, कौन ब्रह्मर्षि है, ये अलग विषय है। इसके ठीक है, इसकी चिंता, इस पर चर्चा करने का अधिकार सनातन धर्म के विद्वत लोगों का है। अच्छा। ये हमारे आपकी चर्चा का विषय भी नहीं है। हिंदू शब्द से आपको आपत्ति है, हिमालय से लेकर सिंधु तक जो लोग रहते हैं उनको हिंदू कहा गया है, तमाम ऐसे उदाहरण हैं, तमाम ऐसे श्लोक हैं जी। चलिए आप न मान लीजिए, सनातन संस्कृत को ही आप मान लीजिए। सनातन संस्कृत पर जिस तरह से कुठाराघात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य मंचों से, और समाजवादी पार्टी और उनके अध्यक्ष का मौन समर्थन है। अच्छा, समर्थन है। अगर समर्थन न होता तो इन बयानों के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रमोशन कतई ना मिलता। अच्छा। और तो आप कहना चाहते हैं कि यहाँ पर अखिलेश द्वारा, अखिलेश यादव द्वारा यहाँ पर बोला जा रहा है कि कहिए, बिल्कुल अखिलेश यादव जी की सर पे स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अच्छा। और जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो मेरी गर्दन काटने की बात करने वाले हैं वो आतंकवादी हैं, ये है वो है, उन्हें सनातन संस्कृति का तो ज्ञान नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ एक श्लोक है जिसको महात्मा गांधी जी खूब पढ़ते थे, अहिंसा परमो धर्मा, उसी की अगली लाइन है। अच्छा। धर्म हिंसा तथेवचा। अच्छा। धर्म की स्थापना के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो उससे भी बड़ा धर्म है। अच्छा। ऐसे तो गर्दन काट दो नहीं, ऐसे अपराधियों का जो इस तरह से धर्म को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है मैं उनकी बयान से इत्तेफाक नहीं रखता, ये काम वर्तमान संविधान के तहत कानून का है।
लेकिन अगर आप किसी को पीड़ा इस तरह से पहुंचा रहे हैं, आपने देखा होगा नूपुर शर्मा जी के मामले पे देश ही नहीं पूरे विदेश में प्रतिक्रियाएं हुई, क्योंकि सनातन संस्कृत के लोग या हिंदू धर्म के लोग इतने सहिष्णु हैं, इतने उदार हैं कि ऐसे लोग इस पे लगातार हमला करने की हिम्मत पा जाते हैं। अच्छा, इनकी हैसियत नहीं कि इस्लाम के किसी एक फिरके के बारे में भी ऐसी अनाप शनाप टिप्पणी कर सकें। अच्छा, इनकी हैसियत नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से जो मदनी साहब का बयान आया बजरंग दल को लेकर के, हिंदू राष्ट्र को लेकर के, धर्म के आधार पर राष्ट्र का बंटवारा हुआ सब जानते हैं। आप अपने खाते का राष्ट्र ले चुके हैं, हिंदुओं के साथ तत्कालीन सत्ता ने धोखा किया, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया। अच्छा। फिर आकर के संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ दिया, 1942 में संविधान संशोधन के तहत सेकुलर शब्द जोड़ा गया। आपको सेकुलर शब्द से दिक्कत है क्या? नहीं, हमें दिक्कत या आपत्ति नहीं। आपको सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, जो आज कौन सी बात कर दिया गौरव जी, जिस सेकुलर शब्द को आज आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ चुका हूं, मुझे पता है। ये भारत के संविधान में तब जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत जब पूरी संसद जेल में थी विपक्ष और संसद नहीं चल रही। तो संशोधन करा दीजिए, बात खत्म करिए सीधा, सरकार आपकी व्यवस्था है आपकी है। देखिए, बहुत बिल पास करिए, संशोधन करा दीजिए, काम खत्म। बहुत चीजें संविधान के तहत होती है, समय आने पे होती है। अच्छा, और क्या होगा कब होगा ये तो काल तय करता है। अच्छा, परंतु जिन चीजों की आप चर्चा कर रहे हैं सेकुलर शब्द की, संविधान में सेकुलर शब्द मूल भावना के तहत नहीं रहा। अच्छा, जो संविधान की मूल भावना प्रस्तावना तत्काल लिखी गई उस संविधान सभा ने इसको नहीं जोड़ा। अच्छा, ये बात में इंदिरा गांधी जी के समय में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अच्छा, सब जानते हैं। तो अच्छा, जो भी आज देश का स्वरूप है, आप सेकुलर कह रहे हैं, चलिए ठीक है, ये मैं क्या कह रहा हूँ, आप ही बोल रहे हैं, मैं तो कुछ कह ही नहीं। सुन लीजिए मेरी, मैं तो व्याख्या कर दी। वो बहुसंख्यक समाज की उदारतावादी चरित्र के चलते है। अच्छा, चूंकि बहुसंख्यक समाज, समानता का अधिकार क्या है देश में जी? समानता का अधिकार क्या है हमारे देश में? कहाँ समानता का अधिकार? समानता नहीं है क्या? कहाँ बता दे, नहीं आप बताइए कि समानता कहाँ समानता? अगर समानता नहीं तो फिर आपको सबका साथ सबका पैसा कैसे? ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन है, भारतीय जनता पार्टी का, कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अच्छा, और जो आप संविधान के तहत समानता का अधिकार कहते हैं, अगर समानता का अधिकार होता तो वक्फ बोर्ड को इतनी पावर कैसे दे दी गई? अच्छा, उनके लिए अलग कानून कैसे है? अच्छा, और तो और उनके ठीक है, लेकिन उसी संविधान से धोखा करते हुए वक्फ बोर्ड को इतनी पावर दी गई, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन हुआ, वापस ले लीजिए। आप पूरी बात तो सुन ले गौरव जी, वक्फ बोर्ड को इतनी पावर दी गई, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन हुआ, तमाम कानूनों में उनको तरजीह है, और तो उनके मर जाने पर फैमिली पेंशन तक में शरीयत का ला लागू है जी। तो ये भारत के संविधान के साथ धोखा नहीं तो और क्या है? अच्छा, आप केवल बहुसंख्यक समाज को बेवकूफ बना रहे हैं कि साहब यहाँ संविधान का राज है। अच्छा, संविधान का राज है। कौन बेवकूफ बना रहा है? जो लोग तत्कालीन सरकार में सत्ता, तो अरे भाई आज हम सत्ता में हैं, हम अच्छा, भारत हम तो कामन ला भी तो है, हम एक मुस्लिम ला है तो एक ला में हम कामन हम तो कामन सिविल कोर्ट की बात करते हैं। अभी लागू नहीं हुआ, विपक्ष को पेट में दर्द होता है, अभी लागू नहीं हुआ, एक ही नहीं हुआ, गुजरात गोवा में है बस, नहीं हुआ, पुराना है, पुर्तगाली नहीं हुआ, आगे होगा, मौका मिलेगा। हम तो वो दल है कि जो अपने स्थापना के समय से धारा अनुच्छेद 370 को हटाने की बात करते हुए चले थे, जब हमें ताकत मिली हमने 370 उठा करके डस्टबिन में फेंक दिया। अच्छा, और आज कश्मीर में जो हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। अच्छा, तो हम तो अपने उन उद्देश्यों अपने एजेंडे के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से चलने वाले दल है, बार बार बता रहे हैं और क्या हो रहा है। और सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुना लीजिए, आज G20 का जो कार्यक्रम वहाँ हो रहा है, पूरी दुनिया उस पर निगाह दौड़ाए हुए है। अच्छा, तो ये अवसर कश्मीर को आज मिला है, तकी बरस रहे आपकी बात, और कोई हंसे कोई रोए ये तो चलता रहता है। अच्छा, हंस किस बात पे रहे हैं? अच्छा अच्छा, मुद्दे पे विवेक भाई, मेरा कहना है यहाँ पर ये सभी पत्रकार मौर्य बयान दिए और उनके बयान पे पलटवार हुआ, क्या आपको ये लगता है कि एक ऐसी गाइडलाइंस बना दी जाए जिस तरह सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले जो बयान हैं इन पर लगाम कसी जा सके? IT एक्ट है, तमाम एक्ट हैं, पर उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी है, क्या आपको ये लगता है कि सभी दलों को अपने नेताओं को गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए कि धार्मिक मुद्दों पर माना बोले? क्योंकि धर्म आस्था भक्ति के लिए बना है,
राजनीतिक नहीं बना है। देखिए गौरव जी जी, भारतीय जनता पार्टी ने नूपुर शर्मा जी के प्रकरण में हम लोगों को एक एडवाइजरी जारी की, खिंचाने दल ने भी जारी की, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, परंतु समाजवादी पार्टी के द्वारा ये देखा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस उलझुलूल बयानों के बाद उनको लगातार प्रमोशन दिया गया। अच्छा अच्छा, तो जब आपका राष्ट्रीय नेतृत्व भी आपको इस तरह से सह दे रहा हो तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेवले तो इस तरह के बयानबाजी करें। चलो ठीक है, नेवला बोली या कुछ भी, हम नेवला नहीं बोलते, नेवला तो उन्होंने खुद अपने आप को कहा है। अच्छा अच्छा, ये उनका खुद को दिया गया। अच्छा, गाइडलाइन जारी होने के बाद भी बजरंगबली केरल में कर्नाटक में आ जाते हैं जी? गाइडलाइन जारी होने के बाद भी विवेक भाई बजरंगबली वाले विवाद भी कर्नाटक में आ जाते हैं? बजरंगबली से कर्नाटक में क्या दिक्कत है भाई, हमें क्या दिक्कत है बाबा? जो बातें चल रही थी, अगर कांग्रेस वहां पर बजरंग दल को बैन करने की बात कर रही थी, करके दिखा दे। अच्छा, करके दिखा दे, हैसियत करके दिखा दे। अच्छा, सरकार बन चुकी है, हैसियत हो करके दिखा दे। ठीक है ठीक है। प्रवक्ता आप सैयद मोहम्मद तकी बड़ा मुस्कुरा रहे थे, ऐसा कौन सी बात कर दी भाई विवेक भाई ने? विवेक भाई बहुत सीनियर है, बहुत सीखने को मिलता है उसकी बात। अच्छा, अच्छा भी लगता है कई बार जो बातें करते हैं, लगता है कि सामने जो आदमी बैठा हुआ है वो बिल्कुल बुद्धिहीन है, उसकी बौद्धिक क्षमता कुछ भी नहीं है, वो जो कुछ बातें कह रहे हैं उसके बारे में उसको मालूम नहीं है। अच्छा ठीक है, ये भी कह रहे हैं G20 समिट हुई है कश्मीर में, कश्मीर में उठा रहे, देखिए इससे पहले बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोग्राम हुए हैं जी, बहुत सारे इंटरनेशनल वहाँ स्पोर्ट्स भी हुए हैं और वहाँ क्रिकेट भी कई बार हुआ है इसी बार में, तो इसी काल के दौरान जरा सा पढ़ लें, ऐसा नहीं कि बहुत पहली बार हो रहा है। अच्छा, और वहाँ इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत आते जाते रहते हैं जी, और लोग रहे वहाँ काफी दिन, बिल्कुल, तो ये कोई ऐसी बात नहीं, कोई नया चीज नहीं हो रही है इसको, ये हमेशा बीजेपी जब भी कोई काम करती है बहुत ही नायाब, पहली बार ऐसा हो रहा है। अच्छा, और कुछ लोग की बात को मान लेते हैं जो पीछे का बैकग्राउंड नहीं पढ़ के आते हैं तो पूरा पता नहीं होता। अरे पढ़ के आया भाई, कौन पढ़ के नहीं आया है? मेरे भाई पढ़ के आया, सीनियर आदमी है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अरे मैं तो पढ़ के बैठे ही हुआ भाई, डिबेट करा रहा हूँ, मैं तो पढ़ के बैठे ही हुआ हूँ, मेरा पढ़ थोड़ी बैठूंगा बीजेपी के बीच में जी भाई। मैं कह रहा हूँ जो लोग पढ़ के, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, मैं पहले के लोग उसके अंदर है। अच्छा, एक आम जनता की बात कर रहा हूँ, आम जनता इसको पूरी मालूम नहीं होती, कई बार स्टेटमेंट को सही मान लेती है और उसी के पीछे चले जाते हैं, ऐसे ही होता है, बीजेपी के लोग ऐसे स्टेटमेंट देते आते हैं और जनता इसको पूरी जानकारी नहीं, कौवा कान लेकर उड़ के उड़ लेते हैं। आम आदमी पार्टी कभी धार्मिक मुद्दे पर बयान नहीं देती, मुझे पता है, हमने कभी बयान नहीं दिया। हाँ, वो केजरीवाल जी, केजरीवाल जी लक्ष्मी गणेश की फोटो छपवा रहे थे करेंसी, वो क्या लक्ष्मी गणेश की फोटो, लक्ष्मी गणेश जी धार्मिक धर्म से नहीं आते क्या? अच्छा, वित्तीय बयान था। अच्छा, वित्तीय बयान था, वित्त अर्थव्यवस्था के ऊपर जो ग्रह लगा हुआ है। अच्छा, 2014 की सरकार आई है और जो उसके ऊपर जो इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व करने के लिए हमें दिल्ली की अलग मुद्रा निकाल दी लक्ष्मी गणेश जी, छपवा दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए गणेश जी की और लक्ष्मी जी की फोटो होती, 2000 का नोट बनना करना पड़ता। अच्छा अच्छा अच्छा, 2000 नोट का नीचे नई बात आई है, बता देते RBI को फोन करके आप लोग। तो ये देखिए इस तरह से करते रहेंगे, नोट बंद करते रहेंगे, करते रहना पड़ेगा, सही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो मुद्रा कैसे हटेगी जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं होगा? अच्छा, हमारी करेंसी के ऊपर, मुद्रा के ऊपर, तो जो राक्षसी लोग हमारी मुद्रा को काट रहे, सारे गिरा रहे हैं। अच्छा, जल्दी बोलिए, समय कम है। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बोला है वो उनका बयान है, उसके ऊपर मैं, ये आवाज इको कर रही है मेरी, इतना सब करिए जी, आवाज ठीक कराई जाए, इसको बहुत सही आवाज जी, आप कौन गुस्से बोल रहे, इको कर रही है, प्यार से बोलिए। तो बड़ा मुद्दा है, मौर्य जी ने जो बयान दिया है जी, उसके लिए वही जाने वो क्या बोलते हैं, उनकी मर्जी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं वो तो बयान दे। स्वामी प्रसाद के बयान से मुझे ना आम आदमी पार्टी को लेना देना नहीं है। अच्छा, अच्छा। लेकिन मैं जानता हूँ जो लोग शिक्षा पे नहीं बोल पाते, स्वास्थ्य पर नहीं बोल पाते, महंगाई पे नहीं बोल पाते, जो महिलाओं के साथ लगातार दुर्चार और उसमें बोल नहीं पाते, वो मजहब की धर्म की आड़ में चले जाते हैं। अच्छा, आज खबर है लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हाउस टैक्स दुगना करने की बात हो रही है, कि हाउस टैक्स दुगना किया जाएगा, वाटर टैक्स बढ़ाया जाएगा और मंथली EMI की तरह, अच्छा, मंथली जैसे बिजली का बिल आता है उस तरह से ये बिल आएंगे और जनता के ऊपर बोझ बढ़ने वाला है। अच्छा, हमने आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि सरकार आएगी तो हाउस टैक्स, अरे अभी नहीं आई, मुद्दा बताइए क्या करने वाले हैं, लेकिन बीजेपी आर्थिक साथी सरकार बनती साथी वो जिस जनता ने चुन के भेजा है उस जनता के ऊपर बोझ और डाल रही। ठीक है ठीक है, जनता ने किसी बीजेपी चुना था, चले ठीक है, तो आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी का सड़क पे आ रही है इसके लिए, हम तो लगातार सड़क पे रहते हैं, लगातार नहीं इसके लिए कब आ रही है, लगातार हमें पता है। दूसरी बात सुनिए, हाँ और भाई बात सुन लीजिए, सुना दीजिए बात, केसरिया रंग की हो रही, भगवा रंग की हो रही है, केसरिया रंग भगवा रंग का मुद्दे पे आ गए आप, हाँ हिंदू में भी है,
सिख धर्म में भी है, अच्छा, मुसलमानों में भी है, अच्छा, और ये केसरिया रंग जो है भगवा रंग बहुत अच्छा रंग है, अच्छा, इसको भगवा ग्रहण करके इसको डर का प्रतीक न बनाया जाए। मैं समझ गया, उत्तर प्रदेश है, सुरक्षा देने का रंग है। अरे मैं समझ गया, उत्तर प्रदेश में चुनाव जीते आप, मैं समझ गया, श्याम का रंग है, समझ गए, जो चलिए बलिदान का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है, अध्यात्म से, अरे बलिदान का प्रतीक है, अध्यात्म का प्रतीक नहीं है भाई, बलिदान का प्रतीक है। अरे मैं बोलूं या आप ही बोलेंगे? मैं सुना दीजिए, आप गलत बोल रहे ना, तो मैं तो दुरुस्त करूंगा ना मेरे भाई। अरे यार हर भाई, 30 सेकंड में आप बोल रहे हैं, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ। अब आप तरंगे में जो उसको अध्यात्म का प्रतीक बताएंगे तो मुझे दुरुस्त करना पड़ेगा ना मेरे भाई, बलिदान का प्रतीक है जी। सब हर जगह पे हिंदू धर्म में रंग का मतलब है केसरिया रंग का, मुसलमानों में अलग धर्म है, हिंदू मुसलमानों में अलग उसका प्रतीक है, सिख धर्म में अलग उसका मतलब है, अच्छा, लेकिन सबके यहाँ उसका एक अच्छा मतलब है, पॉजिटिव मतलब है, अच्छा, उस पॉजिटिव मतलब को हमको लेना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है, बचा लेगा। और इस तरह से भगवान रंग को नहीं पेश करना चाहिए, वो भय का प्रतीक बन जाए समाज के अंदर, अच्छा भय का प्रतीक बन गया, बन जाएगा, बन गया है, जिस तरह से पेश किया जा रहा है उस तरह से तो धीरे धीरे बनी रहा है वो, अच्छा बनी रहा है, ठीक है, भगवान के नाम पे लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अच्छा आप डरे कि नहीं डरे? अरे हम नहीं, आम जनता से पूछिए, हमारे से क्या होता, हम तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं, आप भी तो आम जनता के प्रतिनिधि है, आप अलग से है क्या कुछ? आप आम जनता के अंदर क्या हो रहा है पूछिए ना आम जनता से। चलो ठीक है, आम जनता पूछ लेंगे, मतलब ठीक है, हो गया, ताकि भाई हो गया, आपकी बात आ गई। बीजेपी के लीडर है वो अपने बच्ची की शादी मुसलमान से कर रहे थे, हाँ, वो शादी इसको विड्रॉ करनी पड़ी, वो कह रहे बहुत बहुत सही नहीं है देश का। चले ठीक है, आप समझाइए उनको जाके, ठीक है, बीजेपी के नेता कह रहे बहुत सही नहीं देश। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। प्रवक्ता कांग्रेस मलिक जावेद अंसारी जी, मलिक भाई सबकी बात तो सुनी, तमाम नई नई चीजें आपको सुनने में मिली, कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी यात्रा निकाल चुके हैं, भारत जोड़ो यात्रा 3570 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और केवल एजेंडा एक, भारत को एक करने की बात। पर यहां पर जिस तरह से बयान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका मानना है कि इन बयानों से देश का सामाजिक सौहार्द खराब होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जनता के मुद्दों को छोड़ इन बयानों की जरूरत क्या है? आपकी क्या राय है स्वयं प्रसाद मौर्य के बयान पर? कर्नाटक का उदाहरण कांग्रेस पार्टी ने देश के सामने पेश किया है जी, और ऐसा उदाहरण पेश किया है जी, कि हमने मुद्दों पे चुनाव लड़ाया, गारंटी पे चुनाव लड़ाया, जनता ने पूरा समर्थन दिया जी, लेकिन भाजपा के लोग मौर्य सबसे कम नहीं। प्रधानमंत्री जी का बयान होता कि देखिए वो बजरंग बली की तुलना उन्होंने बजरंग दल से कर दी थी, अमित शाह जी क्या क्या बयान दे रहे थे कि दंगे होंगे फिर कांग्रेस की सरकार आ गई, दंगे हो गए मणिपुर में जी, 60 से ज्यादा लोगों की हत्या हो गई, 1700 घर जल गए, 1000 से ज्यादा बंदूक सुरक्षा कर्मियों की छीन ली गई, और अब जब से 3 तारीख से भी तक इंटरनेट बैन तो हटा दो, आजादी दे दो भारत को, आजाद है भारत। दूसरा, विवेक भाई ने बहुत सारी बातें कही, विवेक भाई जो है बहुत ज्ञानी आदमी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, लेकिन शायद इन्हें कानून नहीं पता है, संविधान नहीं पता है, ना ही संविधान की व्यवस्था पता है जी। मोदी सरकार ने 2016 में लॉ कमीशन को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहते हैं, हमें इस पे एक रिपोर्ट हो। मलिक भाई आपकी आवाज बड़ी खराब आ रही है, 2 मिनट रुक जाइए जी। मलिक भाई आपकी आवाज बड़ी डिस्टर्ब आ रही है, आवाज ठीक कीजिए मलिक भाई की जी। जी मलिक भाई जी, जी बोलिए। संवैधानिक संस्थाएं उनका सम्मान नहीं करते, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जी, शायद इन्हें पता नहीं मोदी सरकार ये प्रयास कर चुकी है 2016 में और 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिसकी अध्यक्षता जो है पूर्व जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो करते हैं और वो उस टाइम के जो रिटायर्ड जज थे उनका नाम बीएस चौहान था, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, उसका नाम कंसल्टेशन पेपर था जी, और उसमें 185 पेज की रिपोर्ट थी जी, उसमें क्या कहा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पहले मैं बताना चाहता हूँ जी, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू अगर आप करते हो लोगों के भावनाओं को लेकर तो देश की इट विल बी थ्रेट टू द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया जी, ये देश के अखंडता के लिए खतरा है। और उन्होंने ये भी कहा था कि आईपीसी पूरे देश में लागू करके दिखा दो, कहीं नॉर्थ ईस्ट के कितने ऐसी बैंड थी, ट्राइबल बैंड रहते हैं कि जहाँ आईपीसी भी लागू नहीं होती है। आप जो अनुच्छेद जो संविधान की शेड्यूल 8 है उसमें 22 भाषाएं उनको एक करके दिखा दो, और जो शेड्यूल 6 है वो कहता है कि डाइवर्सिटी कैनॉट बी कॉम्प्रोमाइज, वो करके दिखा दो। अच्छा हाँ, लेकिन लॉ कमीशन ने कुछ सुझाव दिए थे कि पर्सनल लॉ को आप अमेंड कर सकते हैं, उसमें कुछ सुझाव है, लेकिन उन्होंने कहा था मुस्लिम लॉ को अमेंड करोगे तो हिंदू लॉ को भी करना पड़ेगा,
तो पहले मैं बताना चाहूंगा कि हिंदू लॉ में क्या कहा गया कि अमेंड क्या हो। धारा जो है वो कही गई है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 को बदलना होगा आपको जी। और सेक्शन 15 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को बदलना होगा आपको जी। एक्सप्लेनेशन 6 जो है दो सेक्शन 15 की बदलना होगा जी। और आपको हटाना पड़ेगा जी धारा 313 को इंडियन सक्सेशन एक्ट 1926 को। क्या आप हटाओगे जी? नहीं हटाओगे। नहीं, यूनिफॉर्म के सिविल कोड की बात करते हो आप, एक ही उदाहरण दे देता हूँ मैं। उत्तर प्रदेश में गौ माता के लिए कानून अलग है, गौ कशी के, गोवा में अलग है, त्रिपुरा में अलग है, पहले इसको ही एक कर दो मेरे भाई। तो ये अनर्गल बयानबाजी, सॉरी मौर्य प्रसाद क्या कह रहे हैं उनसे घटिया बयान तो मुझे विवेक भाई का लग रहा है। थोड़ा कानून पढ़िए, संविधान पढ़िए। मुझे पता है आपकी आस्था संविधान में नहीं है, आप गोडसेवादी लोग। अच्छा, संविधान पढ़ोगे? गोडसेवादी लोग है ये लोग। अच्छा चलिए, बिल्कुल गोडसे लोग, पूजा करते हैं, मंदिर बनवाते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप नहीं बनवाते। चले पहले पहले मैं विकास मिश्रा को लूंगा, पहले जवाब लेता हूँ विवेक भाई से। विकास मिश्रा भाई, आपकी क्या राय है यहाँ पर? सनातन महासभा से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, क्या राय है? बयान की जरूरत क्या है? इन बयानों का कारण क्या है? राजनीति प्रेरित है या वास्तव में दर्द है स्वामी प्रसाद मौर्य का, या फिर एक अलग पथकथा है राजनीति के व्यवस्थाओं को चलाने की? देखिए भैया, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ नहीं, इसलिए राजनीति के बारे में तो बहुत ज़्यादा ना ही ज्ञान रखता हूँ ना ही उसके बारे में बोलना चाहूँगा जी। हाँ, एक बात का बड़ा अच्छा महसूस, एक बात के लिए महसूस कर रहा हूँ कि सपा से आज एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो सनातन के बारे में बहुत ही अच्छे जानकारी रखते हैं, जो उन्होंने भी बताया भी जी। अब चूंकि मुद्दा कुछ और है इसलिए सनातन के बारे में बहुत ज़्यादा बात तो नहीं कर पाऊँगा जी, परंतु ये हुआ क्यों? जो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे कि उनके लिए ये बातें कही गई, तो क्यों कही गई, उसके पीछे का कारण क्या था, ये भी थोड़ा जान लेना चाहिए। आपने एक धार्मिक ग्रंथ के बारे में बात करी थी, आपने उसको जलाने के लिए, उसको बंद करने के लिए बहिष्कार करने की बात करी थी, तो इस तरीके के बातें हुई। हालांकि इन बातों को मैं समर्थन नहीं देता हूँ, किसी भी धर्म के लोग साथ द्वारा ये किया जाए बिल्कुल ये गलत है। लेकिन साथ ही मैं तब भी कहता हूँ जब किसी और धर्म के लिए कहा जाता है, चाहे सनातन धर्म के लिए हो, मैं तब भी यही कहता हूँ कि क्या जरूरत है ऐसे वक्तव्यों को ऐसे मंच से ऐसे व्यक्तियों द्वारा बोलने की कि ऐसे उन्माद पैदा हों, और फिर जब वो पैदा होते हैं फिर आप उसको और बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आप कहाँ पे बैठे हैं, आप किस लिए बैठे हैं, जनता ने आपको किस लिए चुना है, आप पहले इसको समझें। जनता ने आपको इसलिए चुना है, आपको अपना प्रतिनिधि बनाया है, उसके लिए जनता टैक्स के रूप में आपको पैसे भी देती है ताकि आप कार्य करें, लेकिन आप कार्य उसको जो है नहीं कर रहे, भटका रहे हैं और इस तरीके के उन्माद पैदा कर रहे हैं, वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति की बात हो। चूंकि यहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात हो रही है तो इसलिए उनको इंगित करके बात करूंगा। जैसा कि हमारे नितिन भाई जी ने कहा भी कि सनातन को अगर कोई हिंदू शब्द से कहता है तो बिल्कुल वो गलत व्यक्ति माना जाएगा, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी हिंदू हिंदू कह के बात कर रहे थे तो उन्होंने खुद स्वीकार किया वो गलत है। दूसरा, रंग, किसी भी रंग को किसी भी धर्म से या किसी भी चीज से जोड़ना गलत है। रंग हर एक व्यक्ति के लिए होते हैं। अभी जैसा कि सपा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, मैं आपको बता दूं भाई कि खाली बलिदान का नहीं, शौर्य का ही प्रतीक है भगवा रंग, और शौर्य भारत का। नहीं कोई बात नहीं, अभी बोल लीजिएगा। अब आप हमें नहीं बोलने देंगे तो हमें भी कहना पड़ेगा, बोल लेने दीजिए फिर। आप शौर्य बलिदान की बात नहीं कर रहे थे भाई, आप आध्यात्म की बात कर रहे थे। ठीक है, आपने कहा था कि केसरिया रंग आध्यात्म का प्रतीक है, आध्यात्म का प्रतीक नहीं है भाई। अब जो गलत होगा उसको दुरुस्त करूंगा ना भाई जी। अरे बोलने के लिए स्पेस भी दिया करिए। अरे स्पेस दे तो रहा हूँ, अरे मैं क्या कलर बोला हूँ, आपको दुरुस्त किया मैं। ठीक है भाई, हमें बोलने का स्पेस दे दीजिए फिर आपको मिलेगा, ठीक है, है ना। बोली बोली, हाँ सॉरी। तो इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म आखिर है क्या जी, उसको समझे। जैसा कि अभी नितिन भाई जी ने बोला भी था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस सोच इस विचार के साथ जो भी व्यक्ति चलता है वो सनातनी है। अब उसकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, उसके इबादत अलग हो सकती है, लेकिन अगर इस सोच के साथ चल रहा है वो सब व्यक्ति सनातनी है। तो सनातन देश को, राष्ट्र को, समाज को जोड़ के चलने का प्रयास करता है, उनको एकजुट रखने का प्रयास करता है, और अपने से पहले अपने सामने वाले के हित की बात करता है। और अगर इसी विचार से हम चलते रहे तो निश्चित तौर पर सनातन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो एक देश का, एक राष्ट्र का निर्माण करेगी, जो विश्वगुरु बनेगा, जैसा कि भारत कभी था। अच्छा, अभी कई बार बात होती है, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी उस विषय पर ले जाना चाह रहे हैं जो हर बार ले जाते हैं। अच्छा, कि विश्वगुरु, हाँ विश्वगुरु नहीं बन पा रहा है, विकास नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ बैठे पैनलिस्ट जितने भी हैं सभी राजनीतिक लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं। पूछना चाहता हूँ कि आखिर राष्ट्र भारत विश्वगुरु था क्यों, क्या कारण था?
कारण ये था कि भारत में व्यापार बहुत ज्यादा था, हमारे देश का आयात कम था और निर्यात बहुत ज्यादा था, इसलिए हम विश्वगुरु थे। लेकिन आज परिस्थितियां दूसरी हैं। 130 करोड़ ब्रेन बैंक आपके पास है, 130 करोड़ लोगों का दिमाग आपके पास है, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। कोई भी पार्टी हो सत्ता में आए, अगर आप इस तरीके की राजनीति करें, उनको इस्तेमाल करने का प्रयास करें, खाली बैठे हैं। आप देखिए जाकर के कितनी जनता खाली बैठी, उनके विचार कितने उत्तम है। कभी आपने सोचा उनमें कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास इंजीनियरिंग का दिमाग भी होगा, कई ऐसे हैं जिनका डॉक्टर का भी दिमाग होगा, कई अध्यात्म के बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन क्या है, खाली बैठे हैं, कोई कार्य नहीं उनके पास। आप व्यापार को बढ़ा दीजिए ना, लघु उद्योग कुटीर उद्योग को बढ़ा दीजिए। कौन सी जनता कहाँ पे हो रहा है, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछता हूँ, दिल्ली में कितना आपने लघु उद्योग कुटीर उद्योग बढ़ा दिया। खाली धर्म के बारे में राजनीति के लोग जो बात करते हैं तो बुरा लगता है। इसके लिए हम लोग बैठे हैं और हम लोग सिर्फ धर्म क्या करता है, धर्म से समाज को जोड़ने का प्रयास करता है, जो हम कर रहे हैं। लेकिन आपके ऐसे वक्तव्य हमेशा एक अलगाव पैदा करने का प्रयास करते हैं, हमारे उन तमाम प्रयासों को खत्म कर देने का प्रयास करते हैं। इसलिए साधु संतों को बोलना पड़ता है, जैसा कि नितिन भाई जी ने बोला, मैं उनसे सहमत हूँ कि ठीक है, एक डिग्री के हिसाब से संत बहुत ऊंची चीज है, मैं भी मानता हूँ, मुझे मालूम है, परंतु अगर उनके अनुयायी भी कोई हैं, जो उनके शिक्षक हैं, जो उनके विद्यार्थी हैं, जो सीख रहे हैं, उनको भी अगर आप धार्मिक बात कहेंगे तो उनमें उन्माद पैदा हो, क्योंकि अभी वो पूर्ण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। विकास भाई, समस्या ये भी है ना कि संत आजकल राजनीति उतर चुके हैं। तमाम बड़े नाम है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो शायद जानकार हो आपको भी होगी कि तमाम बड़े नाम है जो अपने आप को संत बोलते हैं और समय राजनीति उतर चुके हैं। नहीं भैया, थोड़ा सा यहाँ गलत है। जैसा कि नितिन भाई जी के लिए मैं भी कहूंगा, अगर ये सपा नहीं बैठे होते तो सनातन के लिए बहुत उत्तम बात करते हैं। इनका ज्ञान मुझे 13 में पता चल गया, बहुत उत्तम ज्ञान है। देखिए, सनातन संस्कृति कभी किसी को जन्म से किसी उसका नहीं मानती है। जरूरी नहीं है कि अगर हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं तो हम ब्राह्मण ही हो जाएंगे। हमारे कर्म कैसे हैं उस पर निर्भर करता है कि हम ब्राह्मण हैं कि नहीं है। अच्छा। उसी तरीके जो संत है, संत अपने आगे लगा लें, इसको संत नहीं हो जाता। आपके विचार, आपके विचार क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी क्रिया क्या है, उस पर निर्भर करता है आप संत है कि नहीं है। आप अपने को संत कहते रहे, जिससे कि सभी उन्होंने बताया भी कि बयान पे क्या कहेंगे विकास भाई। भैया बिल्कुल निश्चित तौर पे बहुत गलत है, और इस पोजीशन पे होने के बाद अगर आप इस तरीके का बयान दे रहे हो, उन्मादी बयान लगातार देते चले जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अभी एक कानून बना भी थे हेट स्पीच का, ये उसमें कवर होना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के, तो समय समय पर परिवर्तित होता रहता है, भैया बिल्कुल होता है, लेकिन इस तरीके की स्पीचेस पे ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी यहाँ बैठे हुए हैं। विपक्ष ज्यादा आता है, सत्ता पक्ष कम आता है, हेट स्पीच नहीं, उसमें ये देखिए बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। विकास भाई बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, मलिक भाई भी जानते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। हेट स्पीच किसी भी धर्म किसी भी व्यक्ति के लिए अगर हेट स्पीच हुई है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर की गई है तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। भाई मलिक भाई की आपने बात सुनी, कर्नाटक की बात भी सुनी, और आप गोडसे की बात भी आपने सुनी, जवाब क्या है आपके पास? देखिए गौरव जी, जो लोग इस तरह के संतों के बयानों की निंदा कर रहे हैं, और जो गोडसे और गांधी कर्नाटक में बजरंग दल और बजरंग बली के बयान पे चिंतित है, ये वो धर्म है जी, जिस धर्म में दुर्वासा जैसे ऋषि भी हुए हैं, परशुराम भगवान परशुराम जैसे लोग भी हुए जी, वशिष्ठ जैसे भी लोग हुए हैं, सबके अपने अपने एक अनुयायियों की एक परंपरा रही है जी। तो सनातन संस्कृति में हर व्यक्ति ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जैसा हो ये भी नहीं है, हर कोई दुर्वासा जी जैसा हो ये भी नहीं है, हर कोई परशुराम जी जैसा हो ये भी नहीं है। लेकिन इस सनातन संस्कृत में सबके अपने अपने स्थान है, सबके अपने अपने कर्मों का महत्व है, और सबने सनातन संस्कृत को अपने प्रयासों से जीवित किया है, सींचा है। इसी तरीके से जब कांग्रेस के लोग गोडसेवादी कहते हैं, तो मैं बहुत विनम्रता से इनका उत्तर दे रहा हूँ, दे दीजिए, कि जिस तरह से हम महात्मा गांधी जी का सम्मान करते हैं, उसी तरह हम गोडसे का भी सम्मान करते हैं। लीजिए, मलिक भाई जवाब बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ। लीजिए, इसको समझने के लिए इन्हें महाभारत काल के उस खंड में जाना होगा। भीष्म पितामह कौरव सेना के प्रधान सेनापति थे जी। लेकिन उनका सम्मान इतिहास में कहीं कमतर नहीं है। उनका वध अर्जुन ने किया, किन कारणों से किया, किन परिस्थितियों में किया, लेकिन दोनों को सनातन संस्कृति या के ध्वजावाहक या कह लीजिए इतिहास, कितना बड़ा अपमान है। अरे सुन लीजिए भाई, पहले सुन लीजिए,
आप जैसे सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए पहले बात सुन लीजिए अरे सुन लीजिए अगर आप इसे आप अगर आप सुन लीजिए पूरा विषय अगर आप सुनना नहीं चाहते तो फिर आपको मैं पर्दे वाला बयान रटाऊंगा अभी बैठ करके 8 लाख का पर्दा 45 करोड़ का घर मसाज तिरंगा लेके निकले थे मसाज पार्लर तक पहुंच गए यही सब अगर आपको डिबेट डिरेल करनी है गंभीरता से आप बात का जवाब नहीं चाहते गंभीरता से अगर आप बात का जवाब नहीं लेना चाहते तो आप मत 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 बोलने दीजिए अगर सुनना चाहते सुन लीजिए हम महात्मा गांधी का भी सम्मान करते हैं और गोडसे का भी सम्मान करते हैं महात्मा गांधी से कोई जर जोरू जमीन की दुश्मनी नहीं थी महात्मा गांधी ने जो किया देश के लिए किया लेकिन जब एक समय उनके वजह से लगा प्लीज सुन लीजिए अरे माफी मांगेगा अपने टर्न पे बोलेगा अपने टर्न पे बोलेगा अरे मोहम्मद तक अपने टर्न पे बोले भाई प्लीज 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 विवेक जी ने हाँ। अपनी बात को बहुत लंबे से रस्ते रख रहे हैं और मैं मोहम्मद तकी साहब से भी कहूंगा जरा मुझे 2 मिनट बोलिए नितिन भाई बोलिए आपने देखिए बड़ी बात कही इन्होंने कहा कि मैं गांधी का भी सम्मान करता हूँ गोडसे का भी सम्मान करता हूँ उन्होंने स्वीकार किया जी। और इन्होंने तुलना कहाँ की जाकर के महाभारत काल के उस खंड में ले जाकर के कि अर्जुन ने वध किया भीष्म पितामह का लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर था बिल्कुल अर्जुन की बराबरी किसी भी कीमत पे गोडसे से नहीं की जा सकती गोडसे स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी है जिसने गांधी जी को गोली मारी लेकिन दुनिया के पहले आतंकवादी का नाम बता दीजिए आपकी हैसियत आप दुनिया के पहले आतंकवादी का नाम बताइए आप डॉक्टर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता पहला आतंकवादी बताओ हमने तुलना नहीं की है हमने कोई तुलना नहीं की आप दुनिया के पहले आतंकवादी का नाम बताओ हैसियत मैंने विषय समझाने के लिए बताया दुनिया के पहले आतंकवादी का नाम बताओ आप बताओ आप बताओ बताओ ना दुनिया के पहले आतंकवादी का बताओ जो कुरान की आयत पढ़ के गर्दन काटी गई थी दुनिया के पहले आतंकवादी का क्यों नहीं बताते सरब आ रही क्या बता रहे कैसे तो ये आपने कैसे आतंकवादी बता दिया गोडसे कैसे बता दिया गोडसे कैसे बता दिया भाई अरे जब आप गोडसे की तुलना अर्जुन से कर रहे हैं तो ने आतंकवादी बता दिया कैसे बता दिया भाई मुझे जवाब आप दुनिया के पहले आतंकवादी का बताओ समय नहीं आप बताओ आप पीएचडी हो दुनिया के पहले आतंकवादी का नाम महात्मा गांधी का बने कौन सी बात है भाई राष्ट्रपिता है भाई ये कौन सी बात है जिस समय बने 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 सब क्या होता है कौन सा सब लोगों ने इनकार किया राष्ट्रपिता की हत्या करने वाले आप सुन लीजिए आप सुन लीजिए पहले आतंकवादी का बताइए पहले आतंकवादी का बताइए दुनिया पहले आतंकवादी का बता दिए पूरा पूरा अरे सुन लीजिए बेबे बेबे भाई पहले आतंकवादी का सुन लीजिए आपने बात रखी उनको जवाब दे दीजिए बेबे भाई बेबे भाई बेबे भाई बेबे भाई मेरा समय कम बचा है करना चाहते हैं
आपने दोनों का सम्मान किया, पहला आतंकवादी बता दो आप, सुनाओ तो पहले आप दुनिया पहला आतंकवादी बता दो आप, पूरा पूरा प्रवचन सुनेंगे आपका। बेबे भाई, बेबे भाई, बेबे भाई, आपने जो बात कही उनका जवाब दे दीजिए। दुनिया का पहला आतंकवादी बताओ आप, चलिए दुनिया का पहला आतंकवादी बताओ, चलिए ठीक है हो गया। अरे भाई दुनिया का पहला आतंकवादी बताओ ना, महाभारत के। अरे आप ज्ञानी हो, आप क्यों नहीं करोगे, आप क्यों नहीं करोगे? आप देश की बात चली, दुनिया की बात बोलने लगेगा भाई, बोलने दर्द हो रहा है। हम तो कर रहे हैं दर्द हो रहा है भाई, यहाँ तुलना आप कर रहे हो। दुनिया का पहला आतंकवादी, क्या ठीक है तो बता रहे, आप बताओ, आप क्यों बोल रहे हो? नहीं पता, उनको देश का पता नहीं बता दिया भाई। अब ज्ञान का अभाव हो गया, अब ज्ञान का अभाव हो गया। चलो ठीक है, क्यों भाई दर्द हो रहा है? जवान नहीं करिए, खराब मत करिए। अपने जानी है, पीएचडी हो गया, दे रहे थे परंपरा बता रहे थे। दुनिया पहला आतंकवादी कौन बताते हैं आप? ज्ञानी आप बताओ, चलो ठीक है, क्यों मत करो आप, क्यों बताओ? अरे चिल्लाते रहो भाई, आपका विवेक है, आप तो गाली देते हो, आप गाली देते रहो। गाली प्रसाद पार्टी तो आप कुछ भी बोल सकते हो, गाली नहीं दी है स्वामी प्रसाद बहुजन पार्टी को, आप कुछ भी बोल सकते हो। जब विवेक भाई प्रसाद बहुजन पार्टी वाले कुछ भी बोल सकते हैं भाई, विवेक भाई, विवेक भाई गलत फंस रही आप, एक निवेदन किया आप, देश का पहला जवाब नहीं बता रहे हो, जवाब देश पहला आतंकवादी आप बताओ, क्या बता रहे हैं? इच्छा हो जाए आप बताओ, पहला आतंकवादी बताओ ना, दुनिया का पहला आतंकवादी बताओ। तो कहीं अगर आप बताओ, ठीक है, क्या समस्या आपको, बोलिए आप बताइए। आपको बता दीजिए, उनका जवाब नहीं, ठीक है। मतलब सुनिए जी, बोलिए अंतिम लाइन में एक बात खत्म करूंगा जी। इन्होंने महाभारत के कालखंड की जहाँ चर्चा की और अर्जुन की चर्चा की, क्योंकि वहाँ कृष्ण जैसा व्यक्ति था और कई राउंड शांति वार्ता हुई थी। क्या बात है, जब कई राउंड की शांति वार्ता असफल हो गई तब कहीं जाकर के युद्ध हुआ था और युद्ध में आमने सामने का युद्ध हुआ था, ललकार करके मारा गया था। चोरों की तरीके कोई आतंकवादी आकर के देश के राष्ट्रपिता की अगर हत्या करता है वो आतंकवादी है, हत्यारा है, उसकी पाबंदी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मत करो आप, चले ठीक है, भारतीय जनता पार्टी करो, ठीक है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी करो, हम गोडसे का भी सम्मान करते हैं, बात करते हैं, ठीक है, जिसको मानना मानते रहिए, डिबेट खराब मत करिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप करते हो, आप करते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आखिरी बेकार मिश्रा की बात ले लूँ, ठीक है, बेकार मिश्रा बोलिए। विवेक भाई पहले देखिए, जैसा मैंने पहले अपने स्पीच में बोला भी था वही साबित भी हुआ, भाई साबित भी हुआ, राजनीतिक लोग जब भी बैठते हैं मुद्दे से भटकेंगे जी, और इस तरीके से उलझ जाएंगे कि मुद्दे की बात ही खत्म हो जाती है जी। देखिए देश को
शांति की जरूरत है, एकता की जरूरत है, अखंडता की जरूरत है। अरे चुप रहिए, अरे चंगी भाई, अब यहाँ प्रवक्ता नहीं बोल रहे हैं, बोल ले, चलिए ठीक है, अभी आप बहुत बोल चुके हैं, बात सुन लीजिए पहले मेरी, ठीक है ना। मैं कोई राजनीतिक दल से नहीं उसे लेकर आपसे विनम्र अनुरोध है, ठीक है, आप सब बड़ा अनुरोध है, बोलने दीजिए, ठीक है। देखिए राष्ट्र को, देश को इस समय एकता अखंडता की जरूरत है। जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं जी, अगर हम एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। कुछ मुद्दे जो पुराने थे, जरूरी नहीं है उनको इस तरीके की डिबेट पे ला करके रखा जाए। देखिए राष्ट्रपिता हो या गुडसे हो, जो भी हो, ये मुद्दा उसका था भी नहीं, और इस तरीके के मुद्दों पर ऐसे बातों को लाना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, आप इस समय वर्तमान में चल रहे हैं और आपका भविष्य इसी को, इसी पर निर्भर करता है। आप उसके बारे में बात करें और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से जनता को एकता के साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप राजनीतिक दल हैं। आपके लिए कोई सनातन नहीं है, कोई इस्लाम नहीं है, कोई सिख, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके लिए सब भारतीय हैं, और भारतीयता को लेकर के आगे बढ़े। जितने भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, अगर धर्म के बारे में बात करना चाहते हैं तो भारत धर्म है हमारा, भारत ही के बारे में बात करें, भारतीयों के बारे में बात करें, यही एक धर्म लेकर चले, चाहे वो स्वयं चाहे। आज का विषय का जो मुद्दा था उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। गांधी जी भी महात्मा थे, उनको पूरा देश महात्मा गांधी कहता था। अगर महात्मा गांधी की हत्या करने वाला को भारतीय जनता पार्टी महिमा मंडित कर रही है, और अगर उसको हत्यारा आतंकवादी नहीं मानकर उसको भी महात्मा मान रही है, तो मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे लोगों के लिए सही बात, वो तो सिर्फ मुंह से जवाब दे रहे हैं ऐसे कुकर्मी लोगों को, जबकि गांधी जैसे महात्मा की हत्या करने वाले जी के ऊपर जो संतों ने जो वक्तव्य दिया वो भी सही है। एक मिनट रहूंगा, सपा प्रवक्ता ने एक बात बोली, देखिए विवेक श्रीवास्तव जी भाजपा से आते हैं और स्वयं प्रसाद मौर्य जी ने संतों के भगवा लोगों के बारे में बात संतों करी है। के लिए राजू दास को मैंने सुनी, राजू दास संत है, बजरंगबली बात मैंने सुनी है, मेरी बात हनुमान गढ़ी महंत है, कोई इधर उधर के नहीं है, बात सुनी मेरी बात, वेग जी आप भी शांत रहिए, संत नहीं है, महंत तो संत में होता अंदर होता है, आप अपनी परिभाषा पढ़ाते रहो, नहीं है तुम पढ़ते रहो, समाज उनको सम्मान से देखता है, कोई नहीं देखता, आप सुन लीजिए, मत देखो, जल्दी सुन लीजिए, आप जो मान सुन लीजिए, आगे बढ़ सुन लीजिए, वचन वो छाया कबर से लीजिए, मानता सुन लीजिए, थोड़ी राजू दास अभी मैं प्लीज चुप रहिए, दो मिनट बात करने दीजिए, सुन लीजिए, भाजपा के कोई नेता नहीं है राजू महंत जो है, ठीक है ना, हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं, ठीक है, मैं आपके हिसाब से जो आपने कहा है संत की डिग्री उनके पास नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन सनातन धर्म के अनुयायी हैं, बजरंगबली के उपासक हैं, और उन्होंने अगर ये वक्तव्य दिया था तो आपने अगर ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी का यहाँ पे समर्थन कर दिया उस पर, तो आपने भी गलत बात कही। अभी तक आप बहुत अच्छी बात कर रहे थे, मैं आपका समर्थन भी कर रहा था, एक सेकंड भैया, एक सेकंड, लेकिन के हत्यारे को, लेकिन ये, लेकिन सुनिए 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 सुन लीजिए, यही होता है जब हम राजनीतिक मुद्दे पर आ जाते हैं तो हम धार्मिक मुद्दों को भूल जाते हैं, धर्म को भूल जाते हैं। धर्म हमारा क्या कहता है? धर्म हमारा ये कहता है जो उचित है उसकी बात करें। आम जनता आपके नजर में कोई पार्टी से नहीं आती है, राजू राजू पार्टी से नहीं आती है, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने बहुत धन्यवाद। जो चर्चा बड़ी मैरपुरी में चर्चा यहाँ पर दूसरी व्यवस्था पर चली गई, चर्चा यहाँ पर बयानों की चर्चा यहाँ पर यह थी कि धार्मिक मुद्दों पर बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, पर क्या करें, व्यवस्थाएं ऐसी मान लीजिए, प्रवक्ता ऐसे मान लीजिए कि चर्चा आखिरी में जाके धार्मिक बयानों पर ही जाके टक जाती है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप किसी के अनुयायी बनिए या किसी की तारीफ करिए, उस तारीफ के समानांतर किसी दूसरे पक्ष की बुराई मत करिए। जो जैसा है उसकी अनुयायिता आपके ऊपर विद्यमान है, अनुयायी बनिए, पर यहाँ पर अनुयायिता में किसी को समानांतर मत लाइए और ना किसी दूसरे पक्ष की बुराई करिए। हत्या हत्या होती है, हत्या को वध की संज्ञा देना गलत है। वध पुराने काल में होते थे जब धर्म की रक्षा के लिए, व्यवस्थाओं के लिए और जनता की रक्षा के लिए जब लोगों का नुकसान किया जाता था या उनकी हत्या होता वो वध कहलाता था। फिर कलयुग में अगर कोई निशंस किसी को नुकसान पहुँचाया जाता है या उसकी जान ले ली जाती है तो वो केवल केवल हत्या कहलाती है। पर यहाँ पर किसी व्यवस्थाओं के अनुरूप ना चलते हुए किसी बात को
लेकर बुखार होना या किसी व्यवस्थाओं को समानांतर लाना, ये कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति की व्यवस्थाओं के लिए नुकसानदेह है। आने वाले समय में हम उम्मीद करेंगे अपने नेताओं से, उम्मीद करेंगे तमाम पार्टी के बड़े बड़े प्रवक्ताओं से कि धर्म की राजनीति ना करके देश की राजनीति में जनता के मुद्दों को लाइए तो बेहतर कुछ परिणाम सामने आएंगे। धर्म की जब भी राजनीति हुई है उसका परिणाम सबने भुगता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। इसी व्यवस्था बना रखिए और कम से कम सभी में एक भावना का प्रचार करिए, वो सबके लिए लागू करिए कि हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होने से पहले, किसी धर्म के प्रवक्ता होने के पहले, किसी पार्टी प्रवक्ता होने के पहले भारतीय हैं और भारतीय व्यवस्था से, भारतीय संविधान के हिसाब से हमारा अधिकार है अपनी बात को रखना। पर उस बात को रखने के लिए किसी भी ऊपर एक ऐसे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए जिससे माहौल खराब हो, सद्भाव खराब हो, व्यवस्थाएं खराब हो। व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखिए और सबसे महत्वपूर्ण बात है संघर्ष करिए जनता के मुद्दों पर, ना कि धार्मिक व्यवस्थाओं पर। धर्म श्रद्धा भक्ति के लिए बना है, राजनीति के लिए नहीं है। और जब तक धर्म पर राजनीति होती है तब तक उसका नुकसान हमारे देश को भुगतना पड़ता है, वो आज हम नहीं पहले भी भुगतते आए। धर्म व्यवस्थाओं के लिए है, भक्ति के लिए, भाव के लिए, राजनीति के लिए नहीं। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।